घुमारवीं में विकास खंड अधिकारी की मौजूदगी में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पंचायत तकनीकी सहायकों ने भाग लिया। इस बैठक में सांसद निधि द्वारा दिए गए पैसों का विवरण जाना तथा घुमारवीं विकास खंड में कितना काम हुआ तथा कितना काम शेष बचा, इसके बारे में भी पंचायत तकनीकी सहायकों से रिपोर्ट ली गई। घुमारवीं खंड अधिकारी जीतराम ने बताया कि 28 दिसंबर को होने वाली दिशा बैठक के लिए सभी पंचायत तकनीकी सहायकों की बैठक ली गई और इस बैठक में सांसद निधि द्वारा दिए गए पैसों के कामों का विवरण लिया गया। तथा घुमारवीं खंड में कितना पैसा खर्च किया गया है तथा कितना पैसा शेष बचा है, इसकी जानकारी ली गई। घुमारवीं विकास खंड अधिकारी ने बताया कि सांसद निधि से पिछले वर्ष 66 लाख के आसपास पैसा घुमारवीं खंड को दिया गया था, जिसमें 26 लाख पिछला शेष बचा हुआ था, जो कि मिलाकर 92 लाख की धनराशि घुमारवीं विकास खंड में पड़ी थी, जिसमें से घुमारवीं विकास खंड ने 65 लाख रुपए खर्च किए हैं। इस वर्ष के आखिरी सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहले साइंस पार्क डाइट जुखाला में विशेष प्रबंध किए गए थे, जहां पर डाइट जुखाला के स्टाफ, प्रशिक्षु, जुखाला कॉलेज के स्टाफ, छात्रों व क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने सूर्य को लगे ग्रहण को आधुनिक यंत्रों की सहायता से देखा। डाइट जुखाला ने सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए 24 दिसंबर को एक कार्यशाला का आयोजन भी किया था, जिसमें यही समझाया गया था कि आप किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से इसे देख सकते हैं, जिससे आपको इसका नुकसान भी ना पहुंचे। जिसके बाद डाइट चुखाला ने अपने संस्थान में ये आधुनिक यंत्र उपलब्ध करवाकर लोगों को सूर्य पर लगे ग्रहण के दर्शन करवाए। डाइट चुखाला में प्रथम संस्था के सहयोग से सुबह 9 बजे से डाइट के मैदान में ये आधुनिक वैज्ञानिक यंत्र स्थापित कर दिए गए थे और सुबह से ही लोग यहां पर सूर्य पर लगने वाले ग्रहण के दर्शन करने के लिए उपस्थित थे। डाइट की तरफ से सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर, टेलीस्कोप और इकाई वॉचर वैज्ञानिक यंत्र स्थापित किए गए थे, जिनकी सहायता से लोगों ने सूर्य ग्रहण के दर्शन किए। डाइट के विज्ञान मित्र मोनिका ने इन यंत्रों की सभी को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि स्काई वॉचर यंत्र का इस्तेमाल आसमान में खगोलीय पिंड इत्यादि देखने के लिए इस्तेमाल होता है। सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को देखने के लिए विशेष फिल्टर को इस यंत्र पर लगाना पड़ता है, जिसके बाद इसे आप सीधे टूर पर देख सकते हैं, परंतु अभी तक यहाँ पर इस पर लगने वाला फिल्टर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से स्काई वॉचर की सहायता से सीधे टूर पर सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को नहीं देख सकते। उन्होंने स्काई वॉचर से सूर्य पर लगने वाले ग्रहण की छवि को लोगों को बताया और फिल्टर के माध्यम से लोगों को इसके दर्शन करवाए। डाइट के प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने बताया कि डाइट में सूर्य पर लगने वाले ग्रहण को देखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे और इससे पूर्व 24 दिसंबर को इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास स्काई वॉचर पर लगने वाला फिल्टर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोग स्काई वॉचर यंत्र के माध्यम से सीधे सूर्य ग्रहण के दर्शन नहीं कर पाए, परंतु अब इस फिल्टर को जल्द मंगवाया जा रहा है, ताकि भविष्य में जब दोबारा से सूर्य ग्रहण हो तो स्काई वॉचर यंत्र के माध्यम से लोगों को सीधे तौर पर इसे दिखाया जा सके। उन्होंने बताया कि गुरुवार को करीब 300 लोगों ने इसके दर्शन किए। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालाजी मां का मंदिर आज सूर्य ग्रहण के दिन भी पूरा दिन भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहा। रोजाना की तरह आरती के दौरान ही मां के कपाट भक्तों के लिए दर्शनों के लिए बंद किए गए। सूर्य ग्रहण के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शनों के लिए पहुंचे और उन्होंने अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए हवन यज्ञ कर जप तप पाठ किया। मंदिर के पुजारी अभिनेंद्र ने बताया कि सुबह 8:18 से ग्रहण की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने कहा कि साल 2019 के इस अंतिम सूर्य ग्रहण के दिन ज्वाला जी मंदिर में
भक्तों ने पूजा अर्चना कर मां ज्वाला का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रहण के दिन अन्य मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन ज्वाला जी में स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ एक ऐसा मंदिर है जहां ग्रहण होने पर भी मंदिर मां के भक्तों के लिए खुला रहता है और भक्त जहां मां के दर्शन करते हैं वहीं मां को अपने द्वारा घरों व बाजारों के दुकानों से लाया गया प्रसाद भी चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि अग्नि के आगे सब वस्तु पवित्र होती है और मां ज्वाला के मंदिर में ज्योति रूप मां ज्वाला स्वयं विद्यमान है। ऐसे में अग्नि के आगे सब वस्तु पवित्र है, इसी के चलते ग्रहण में भी ज्वाला जी मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। उन्होंने बताया कि 11 बजे तक ही ग्रहण था और उसके बाद ये खत्म हो गया।